हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फिल्मी फ्राइडे। दोस्तों, बॉलीवुड में ऐसे कई बड़े सितारे हैं जिनके करोड़ों फैंस हैं और इनकी फिल्मों का ये फैंस बेसब्री से इंतजार करते हैं। यही वजह है कि इन स्टार्स की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बम्पर कमाई करती हैं। वैसे आज जो स्टार्स बुलंदियों पर हैं, इन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ये कभी भी इतने बड़े मुकाम तक पहुँच पाएंगे। हालांकि इन स्टार्स में से कुछ की शुरुआत काफी धमाकेदार थी, जबकि कुछ स्टार्स को अपनी डेब्यू फिल्म से ही नाकामयाबी हाथ लगी थी। खैर, आज की इस वीडियो में हम बॉलीवुड के टॉप 10 सुपरस्टार्स और इनकी डेब्यू फिल्मों के बारे में बात करेंगे। तो आइए जानते हैं किसका डेब्यू रहा सबसे धमाकेदार। दोस्तों, लिस्ट की शुरुआत करते हैं बिग बी के नाम के साथ। अमिताभ बच्चन को बॉलीवुड का शहंशाह कहा जाता है। बिग बी पिछले करीब 50 सालों से फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिव हैं और अपने पूरे करियर में 175 से भी ज़्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं। अपने करियर में कई बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्में देने वाले अमिताभ बच्चन की शुरुआत बेहद ही खराब रही थी, क्योंकि इन्होंने 1969 में रिलीज हुई फिल्म सात हिंदुस्तानी से अपने करियर की शुरुआत की थी। लेकिन ऑडियंस को ये फिल्म बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और फ्लॉप हो गई। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने 8 लाख रुपए के आसपास का बिजनेस किया था। गाइस, अब बात करेंगे बॉलीवुड के दमदार एक्शन हीरो सनी देओल के बारे में, जिन्होंने अपने करियर में कई बड़ी फिल्में की और ऑडियंस के बीच एक खास जगह बनाई। सनी ने अपने करियर में एक्शन से लेकर कॉमेडी तक लगभग सभी तरह की फिल्में की हैं, लेकिन बड़े पर्दे पर इन्हें एक्शन करते हुए ही ज्यादा पसंद किया जाता है। इनकी डेब्यू फिल्म की बात करें तो वो थी बेताब, जो रिलीज हुई थी 1983 में, और सनी देओल के साथ साथ ये अमृता सिंह का भी बॉलीवुड डेब्यू था। फिल्म ऑडियंस को काफी पसंद आई थी और बॉक्स ऑफिस पर भी सुपरहिट रही थी। इंडियन बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने लगभग 7 करोड़ रुपए की कमाई की थी। इतना ही नहीं, ये फिल्म 1983 में रिलीज हुई बिग बी की फिल्म कुली के बाद दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म भी बनी थी। दोस्तों, अब बात करेंगे आमिर खान के बारे में, जिन्होंने अपने करियर में कई बड़ी फिल्में की और अपने नाम कई रिकॉर्ड्स भी बनाए। यहां तक कि इंडिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म आमिर खान स्टारिंग दंगल है, जिसका रिकॉर्ड अभी तक कोई भी इंडियन फिल्म नहीं तोड़ पाई है। लेकिन क्या आपको पता है कि आमिर के करियर की शुरुआत कुछ खास नहीं हुई थी, क्योंकि इन्होंने 1984 में रिलीज हुई फिल्म होली से फिल्मों में डेब्यू किया था। केतन मेहता के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में आमिर के अलावा नसीरुद्दीन शाह और आशुतोष गोवारिकर भी नजर आए थे, लेकिन ऑडियंस को ये फिल्म बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी और फ्लॉप हो गई थी। इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के आंकड़े अवेलेबल नहीं है। गैस लिस्ट में अब नाम आता है बॉलीवुड के हीरो नंबर 1 गोविंदा का, जिन्होंने अपने करियर में कॉमेडी, रोमांटिक और एक्शन करीब सभी तरह की फिल्मों में हाथ आजमाया है। लेकिन बिग स्क्रीन पर इनकी कॉमेडी ऑडियंस को ज्यादा पसंद आती रही है। फिलहाल पिछले कई सालों से गोविंदा फिल्मों से दूरी बनाए हुए हैं, क्योंकि इनकी पिछली कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी। लेकिन 90s में इंडस्ट्री में इनका दबदबा खूब बना हुआ था। खैर, इनकी डेब्यू फिल्म की बात करें तो इनके करियर की शुरुआत कुछ खास नहीं रही, लेकिन धीरे धीरे ये ऑडियंस के दिलों में जगह बनाने में कामयाब रहे। वैसे इनकी डेब्यू फिल्म थी लव 86, जो कि रिलीज हुई थी 1986 में। फिल्म ऑडियंस को पसंद नहीं आई थी और बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई थी। इंडियन बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने करीब 1,40,00,000 रुपए का कलेक्शन किया था। दोस्तों, अब बात करेंगे बॉलीवुड के दबंग यानी कि सलमान खान के बारे में, जिन्होंने अपने करियर में कई बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं। उनकी हर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर आसानी से 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लेती है, और ये सिर्फ और सिर्फ सलमान की जबरदस्त फैन फॉलोइंग है कि उनके फैंस उनकी मैक्सिमम फिल्मों को फ्लॉप होने से बचा लेते हैं। खैर, आपको जानकर हैरानी होगी कि सलमान की डेब्यू फिल्म फ्लॉप साबित हुई थी। इस फिल्म का नाम था बीवी हो तो ऐसी, जो 1988 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में लीड रोल में रेखा नजर आई थी, जबकि सलमान को सपोर्टिंग रोल में देखा गया था। इस फिल्म को ऑडियंस ने पूरी तरह नकार दिया था, जिसकी वजह से ये फिल्म अपना बजट भी नहीं निकाल पाई और फ्लॉप हो गई। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने करीब 1 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। गैस लिस्ट में अब नाम आता है बॉलीवुड के सिंघम यानी कि अजय देवगन का, जिन्होंने अपने करियर में एक्शन से लेकर कॉमेडी तक लगभग सभी तरह की फिल्में की हैं। इनकी डेब्यू फिल्म की बात करें तो वो थी फूल और कांटे। ये फिल्म 1991 में रिलीज हुई थी। फिल्म ऑडियंस को बेहद पसंद आई थी और बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही थी। इतना ही नहीं, ये फिल्म उस साल की 5वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म भी बनी थी।
इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करें तो इंडियन बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने करीब 12 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। इन सब के अलावा अजय देवगन को उस साल फिल्म फेयर की तरफ से बेस्ट मेल डेब्यू का अवार्ड भी दिया गया था। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अक्षय कुमार इस समय इंडस्ट्री के सबसे बिजी एक्टर्स में से एक हैं, जो एक साल में 4 से 5 फिल्में आसानी से कर लेते हैं। अपने करियर में कई सुपरहिट फिल्में देकर उन्होंने सुपरस्टार का मुकाम हासिल किया है। हालांकि फिल्मों में इनकी शुरुआत काफी फीकी रही थी, क्योंकि 1991 में फिल्म सौगंध रिलीज हुई थी, जो अक्षय कुमार की डेब्यू फिल्म थी। इस फिल्म में अक्षय के अलावा राखी और मुकेश खन्ना भी मेन रोल में नजर आए थे। फिल्म ऑडियंस को जुटाने में नाकामयाब रही। बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म अपना बजट भी नहीं निकाल पाई और फ्लॉप साबित हुई। वैसे इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर लगभग 2 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। बात करें शाहरुख खान की, तो इनकी डेब्यू फिल्म थी दीवाना, जो कि रिलीज हुई थी 1992 में। फिल्म में शाहरुख खान सेकेंड लीड थे, जबकि मेन लीड में इनके अपोजिट बॉलीवुड स्टार ऋषि कपूर और दिव्या भारती नजर आई थी। सेकेंड लीड होने के बावजूद शाहरुख ने अपनी एक्टिंग से लोगों का दिल जीत लिया था। राज कपूर के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर लगभग 7 करोड़ रुपए के आसपास का कलेक्शन किया था। साथ ही बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म हिट रही थी। इतना ही नहीं, ये फिल्म 1992 में रिलीज हुई अनिल कपूर स्टारिंग बेटा के बाद दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म भी बनी थी। इन सब के अलावा शाहरुख को उस साल फिल्म फेयर की तरफ से बेस्ट मेल डेब्यू का अवार्ड भी दिया गया था। दोस्तों, लिस्ट में अब बात करेंगे बॉलीवुड के हैंडसम हंक ऋतिक रोशन के बारे में, जिन्होंने साल 2000 में अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। इनकी डेब्यू फिल्म थी कहो ना प्यार है, जिसे इनके फादर राकेश रोशन साहब ने बनाया था। इस फिल्म के जरिए अमीषा पटेल ने भी अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था। ऑडियंस की तरफ से इस फिल्म को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला था। इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करें तो फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर करीब 45 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था और बॉक्स ऑफिस पर इसे ब्लॉकबस्टर डिक्लेयर किया गया था। साथ ही ये साल 2000 में रिलीज हुई सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म भी बनी। इतना ही नहीं, इस फिल्म ने उस साल 92 अवार्ड्स जीतकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी अपना नाम दर्ज करवाया था। दोस्तों, लिस्ट में 10वां और आखिरी नाम है शाहिद कपूर का, जिनकी स्क्रिप्ट सिलेक्शन एकदम कमाल की रही है। अपनी कई परफॉर्मेंस के चलते शाहिद ऑडियंस के बीच जगह बनाने में कामयाब रहे हैं। इसके अलावा अपने करियर के शुरुआत से ही फैंस के बीच छाए हुए हैं। शाहिद के डेब्यू की बात की जाए तो इन्होंने इश्क विश्क से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। 2003 में रिलीज हुई इस फिल्म का डायरेक्शन किया था केन घोष ने और फिल्म में शाहिद के साथ अमृता राव भी बतौर लीड एक्ट्रेस नजर आई थी। फिल्म ऑडियंस को काफी पसंद आई थी, जिसने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कमाए थे करीब 8 करोड़ रुपए। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म को एवरेज डिक्लेयर किया गया था। इतना ही नहीं, शाहिद कपूर की बेस्ट परफॉर्मेंस के चलते उन्हें उस साल फिल्मफेयर की तरफ से बेस्ट मेल डेब्यू का अवार्ड भी दिया गया था। दोस्तों, इनमें से आपका फेवरेट एक्टर और उसकी कौन सी फिल्म आपको सबसे ज्यादा पसंद है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। उम्मीद करता हूँ आज की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इन फ्यूचर ऐसी वीडियोस देखने के लिए फिल्मी फ्राइडे को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।